नमस्कार, मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 का प्रथम अध्याय पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रासायनिक अभिक्रियाएं और भौतिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस कड़ी को आगे लेके चलते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। चूँकि कक्षा 9 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रियाओं के समय किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, कोई भी परमाणु परिवर्तित नहीं होता, ना तो परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है न ही बाहर से मिश्रण में आता है। हमने जो दो मॉलिक्यूल उसके अंदर डाले हैं वो ही आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप कक्षा 10 के अध्याय 3 एवं 4 में अध्ययन करेंगे। तो अब हम चलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का पहला प्रकार है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है संयोग होना। संयोग होना मतलब मिलना, कोऑर्डिनेशन होना। तो संयोग होना, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा परिभाषा के रूप में कुछ बताती हूँ। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हम पिछले वीडियो में इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक वे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, सारे संयोजित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये मैंने आपको लाइटली बता दिया। अब हम एक क्रियाकलाप को पढ़ते हैं और फिर हम इसके बारे में आगे चर्चा जारी रखेंगे। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। पता है आपको कि चूने के अंदर अगर आप पानी मिलाते हैं तो बहुत जल्दी विस्फोटक मतलब गर्मी बाहर निकलती है। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, आपको क्या महसूस होता है, क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल, पात्र बाहर से गर्म हो गया है। क्यों? क्योंकि चूना जो होता है जल के साथ जब क्रिया करता है तो ऊष्मा उत्पन्न करता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। CaO बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ में क्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे AQ लिखा हुआ है, जो हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कशन कर चुके हैं कि देखिए सॉलिड, लिक्विड और एक्वस। सॉलिड का मतलब होता है, S का मतलब होता है ठोस, L लिक्विड का मतलब होता है द्रव्य और एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन में। तो बुझा हुआ चूना जो है वो जलीय विलयन में है। बिना बुझा हुआ चूना जो हमें भट्टों से इनसे प्राप्त होता है, अगर इसके अंदर जल की बूंद गिर जाती है तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पादित होती है, बहुत अधिक जल आगे निकलता है। जैसे जैसे उसमें मिलाया जाता है तो जल की मात्रा जैसे जैसे उसमें आकर के मिलती है तो उसमें ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक निकलने लगती है। इस तरह से आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि आपने कभी अपने घर में कल्ली करते हुए मतलब पुताई करने वाला जो आदमी आता है उसको देखा होगा। नहीं देखा तो हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। जब हम वाइट वॉश करने वाले को बुलाते हैं कि पूरे घर को रंग करना है, पेंट नहीं, मैं बात कर रही हूँ चूने की पुताई की, जिसे पुताई कहा जाता है। इसके लिए बाजार से चूने के पैकेट्स मंगाए जाते हैं और उनको बर्तन में पानी डाल करके भिगोया जाता है। जैसे ही पानी के अंदर चूना जाता है बहुत अधिक बुदबुदे के साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर आपका पात्र छोटा या कमजोर है तो पात्र टूटने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी के अंदर चूने को डाला जाता है तो ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। बुझा हुआ चूना ऐसी कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो अब हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। देखिए CaO सॉलिड कंडीशन में होता है जिसे हम हाथ में ले लेते हैं, लेकिन अगर पानी में मिलते वक्त अगर आपने हाथ में ले लिया तो आपका हाथ जलने का
पूरा पूरी संभावना रहती है। इसको जल में मिलाया जाता है, लिक्विड कंडीशन में जल है उसमें जब इसको मिलाया जाता है तो क्या बनता है, दोनों इकट्ठे होकर के बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। एक्वस कंडीशन में है और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, गर्मी प्रोवाइड कराता है, बहुत अधिक गर्मी निकलती है। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। ये बात हम डिस्कशन कर चुके हैं लेकिन एक बार और करते हैं, उससे पहले मैं आपको संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा को अच्छे से समझा देती हूँ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन मतलब जुड़ना कहलाता है। इसको आप इस सूत्र से अच्छे से समझेंगे, हमने लिया है एक बिना बुझा चूना और उसके अंदर हमने दूसरा प्रोडक्ट डाला है जल, तो हमने सबसे पहले बीकर लिया, उसके अंदर हमने पानी डाला और उसमें धीरे धीरे चूने के छोटे छोटे टुकड़े डाल रहे हैं हम। थोड़ी देर में क्या होता है कि बुझा हुआ चूना तैयार हो जाता है, बीकर गर्म हो जाता है, बहुत अधिक गुदगुदाहट होती है, ठीक है। इसे कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उत्पाद एक बन रहा है, अभिकारक दो हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, सारे एक साथ जुड़ रहे हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए हम दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए जिस चूने का विलयन का उपयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के लिए दो तीन दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इसे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्ट करके CaCO3 सॉलिड बनाता है और जल अलग रह जाता है। इस तरह से आप ये अच्छे से समझें कि जो हम दीवार पर चूना करते हैं पुताई के लिए यूज़ करते हैं, सफ़ेदी के लिए जिस लिक्विड का यूज़ किया जाता है उसका रासायनिक सूत्र और संगमरमर का रासायनिक सूत्र एक ही है, लेकिन वर्षों के ताप और दाब को सहन करके संगमरमर का निर्माण होता है। तो संयोजन अभिक्रिया की कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कोयले का दहन। कोयला कार्बन सॉलिड कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ में मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कोयले का दहन कैसे होता है, कोल जो होती है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है जो जल करके ऊपर धुएं के रूप में निकल जाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन गैसीय कंडीशन में है और ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिलकर के बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं जिसका नाम है जल। जल ही जीवन है। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और हमें इसका कीमती मूल्य समझ करके इसका उपयोग करना चाहिए, जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से अधिक होंगे और प्रोडक्ट एक ही बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट होता है, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रोडक्ट कितने होंगे, एक, रिएक्टेंट कितने होंगे, दो या दो से अधिक। अब आता है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको हम दोबारा से समझते हैं।
जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके उत्पाद के निर्माण के साथ में ऊष्मा खर्च होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद बहुत ही ठंडा हो जाता है, पात्र बहुत ठंडा होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो फिलहाल हम चर्चा करते हैं ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं पे, अधिक मात्रा में जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा बहुत अधिक उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस का दहन, आपने प्राकृतिक गैस के लिए मैथेन, मैथेन होता है CH4 गैसीय कंडीशन में प्लस ऑक्सीजन गैस, दोनों आपस में मिलकर के बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल वाष्प के रूप में। गैस लिखा हुआ है इसका मतलब जल वाष्प के रूप में है प्लस ऊर्जा। इस तरह से प्राकृतिक गैसों का दहन, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं वह हमारे भोजन के पाचन और दहन में काम आती है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की सेल्स में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज हमारी बॉडी के जो सेल्स है उनमें ऑक्सीजन जो पहुंची है से मिलकर हमें एनर्जी देता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। तो हमारे 6ठे पाठ में हम श्वसन का अध्ययन करेंगे। तो इसको हम लाइटर देख लेते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये एक्वस कंडीशन में जलीय ग्लूकोज है। इसका 6 ऑक्सीजन की अणु से जब रिएक्ट कराया जाता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु एक्वस कंडीशन में प्लस 6 जल के अणु लिक्विड कंडीशन में, और ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऑक्सीजन हम श्वसन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। शाक सब्जी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है, जिसे हम कहते हैं खाद बनाना। जो हमारा वेस्ट होता है साग सब्जियों के सड़ जाने से, जो वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ही ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।